जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे और उदयपुर अजमेर भीलवाड़ा संभाग में लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। सीएम गहलोत वीसी के जरिए तीनों संभागों को कई बड़ी सौगातें देंगे। उदयपुर में 5.61 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उदयपुर में 11 कार्यों का भी शिलान्यास होगा। अजमेर संभाग में 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भीलवाड़ा शहर में आपको बता दें कि 63 करोड़ 56 लाख की लागत से कार्यों का शिलान्यास करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदेश को नई नई सौगातें दी जा रही हैं। प्रदेश के विकास को लेकर प्रदेश के मुखिया बेहद गंभीर हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कोरोना का दौर भी है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के विकास को लेकर लगातार गंभीर। बिल्कुल मनीषा, प्रदेश को आज बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे वीसी के जरिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले में कई विकास करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में 6 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 5.61 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्यों का निर्माण हुआ है, तो इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत चांदपोल, ब्रह्मपोल, अम्बापोल और सतपोल में हेरिटेज के संरक्षण को लेकर जो कार्य हुआ है, उनके साथ ही वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बलीचा का निर्माण कार्य, सिटी मोबाइल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। फतेहसागर से पीपी सिंगल मार्ग तक जो पुलिया का निर्माण विस्तारीकरण का कार्य है, उसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। यूआईटी भवन में भी विस्तार का जो लोकार्पण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में आज इसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अजमेर संभाग में भी कई लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। अजमेर की बात करें तो अजमेर में आनासागर लेक के सुदृढ़ीकरण का कार्य है, ब्यावर में जलापूर्ति का कार्य है, भीलवाड़ा में बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण कार्य है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो देखिए, भीलवाड़ा में भी करीब 73.56 करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों का निर्माण हुआ है, शिलान्यास होगा तो उसका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। तो करोड़ों रुपए की सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुलिया निर्माण का कार्य हो, नाला निर्माण का कार्य हो, सड़क निर्माण का, ये बहुत सारे कार्य आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास इन तीनों जिलों में करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात प्रदेश को देंगे। कोरोना काल चल रहा है तो उसके चलते आज वीसी के जरिए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कार्यों का शिलान्यास करेंगे। देखिए, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज इनका शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही जिस तरह से कृषि बिल का विरोध लगातार हो रहा है, केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून बनाया है, उसका लगातार विरोध हो रहा है, तो उसके विरोध में भी आज राज्यपाल से भी दोपहर 12:30 बजे उनका मिलने का कार्यक्रम है। उसके साथ ही कोरोना की समीक्षा भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में करेंगे। मनीषा, बिल्कुल दिनेश, देखिए यही खास बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना के दौर में भी प्रदेश के विकास को लेकर बेहद गंभीर हैं। और ये जब बात आती है तो प्रदेश के मुखिया हमेशा आगे होकर रहते हैं। आप ये बताएं कि तीनों संभागों से कौन कौन से गणमान्य लोग हैं जो वीसी में जुड़ने वाले हैं, किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वो अजमेर से आते हैं, केकड़ी से विधायक हैं, तो वो भी इस वीसी में जुड़ेंगे। प्रभारी मंत्री हैं जिले के, वो इस दौरान वीसी में मौजूद रहेंगे। जो सौगात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन जिलों में देंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, भीलवाड़ा की बात करें, अजमेर की बात करें या उदयपुर की, तो प्रभारी मंत्रियों के साथ स्थानीय मंत्री और विधायक भी वीसी के जरिए इस दौरान इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे। कोरोना के दौर में भी प्रदेश के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए, बाकी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनता को भी यही सुनिश्चित करवाते आए हैं। और साथ ही तमाम तरह की समीक्षा बैठकें, तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें भी मुख्यमंत्री लगातार लेते रहे हैं।